ठीक है, वापस लौट रहे गुरसिमरन आपके पास। फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे गोलियों का इस्तेमाल करके आतंकियों का अंत किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गोलियों और टैंक से किस तरह से आतंकियों पर प्रहार किया गया है। दरअसल तीन आतंकियों को ढेर किया गया है जम्मू कश्मीर के अखनूर में, जहां पर लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। और इसके अलावा कई जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश थी और उस कोशिश को नाकाम किया है। टैंक और बंदूकों का इस्तेमाल करके, गोलियों का इस्तेमाल करके आतंकियों को खत्म किया गया है। अखनूर के एनकाउंटर में गोलियों की आवाज भी इस वक्त आप सुन सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों अखनूर में आतंकियों ने सेना के वाहन पर भी हमला किया था और उसके बाद से लगातार आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराने के लिए सेना ऑपरेशन चला रही थी। और इसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये तीन आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तस्वीर। और अब आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करेंगे, जहां पर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ। लेकिन उनके कॉन्सर्ट के बाद वहां पर गंदगी हो गई, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ये सब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद हुआ है। हमारी सहयोगी काजल का की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेएलएन स्टेडियम एक महीने पहले से ही काफी चर्चा में था। वजह थी दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, जिसे लेकर पब्लिक पूरी तरह से दीवानी थी। और लगातार आपको बता दें कि टिकट लेने भी में भी लोगों को बहुत परेशानी हुई और बहुत सारे पैसे खर्च करके भी ऑडियंस जो है यहाँ पर जमा हुई और लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग उन्हें देखने आए। लेकिन एक बार फिर से जेएलएन कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि अब है दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट के बाद यहाँ की गंदगी। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी हुई है। कांच की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर टूटे हुए सामान पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो एथलीट हैं वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आते हैं, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या एथलीटों की या फिर देश के उभरते हुए खिलाड़ियों की यही औकात रह गई है कि जिस तरीके से वो गंदगी का सामना करके और आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त ये जेएलएन स्टेडियम की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैलाई गई है। यहाँ पर स्थिति ये है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित कराया था उसी तरह से प्रायोरिटी पे रख के इसको सफाई कराया जाए। जेएलएन स्टेडियम हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ का हाल आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा, लेकिन जो एथलीट यहाँ पर तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनको कितनी मुश्किलें हो रहे हैं इस वक्त बात करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके की गंदगी यहाँ पर की गई है, किस तरीके की समस्याएँ हो रही हैं? बहुत ज़्यादा समस्या है। एक लगभग 10-15 दिन से अंदर वाला ट्रैक बंद है, सारे प्लेयर्स को इसी ट्रैक पे प्रैक्टिस करना पड़ रहा है और आप इस ट्रैक की कंडीशन देख सकते हो, इसकी पहली दूसरी लाइन बिल्कुल ख़राब पड़ी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉशरूम नहीं है जिसमें लड़कियाँ जा सकती हैं, या तो गंदी मची पड़ी है। अंदर वाले वॉशरूम बंद कर रखा है, लॉक लगा हुआ है उस पर, ना तो उसमें कोई साफ़ करता है, उसका शीशा टूटा पड़ा है। एथलीट के जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पर शो कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन वॉशरूम में कोई सफाई नहीं है, ट्रैक की कोई मेंटेनेंस नहीं है और अंदर का ट्रैक बिल्कुल बंद कर दिया है। प्लेयर्स अलाउड नहीं है, ग्रास पे वार्म अप करने के लिए प्लेयर्स अलाउड नहीं है, पर वहाँ पे कॉन्सर्ट और बियर बेचने के लिए यहाँ पे पब्लिक अलाउड है। ये जो स्टेडियम है क्या लग रहा है, कितने दिनों से बंद था और अब कितनी समस्याएं हो रही है गंदगी की वजह से? स्टेडियम ना जी, धर्मशाला है।
अब इसमें तो इसमें रंगशाला हो, इसमें सारे बाहर से आके लड़की लेडीज सारी, अगर थोड़ा सा अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा आएगा स्टेडियम को जो कोई न्यू स्पोर्ट पर्सन होगा उसे तो रोकने के लिए अलाउ हो जाएगा, लेकिन जैसे अगर कोई भी बियर बार दारू अगर कोई स्पोर्ट पर्सन थोड़ी सी अनडिसिप्लिन कर देगा तो सारे जने आ जाएंगे, कजी ये कर दिया कर दिया। अब इसमें सारे बियर बार सारे हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। तो राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ था, जिसको देखने के लिए, जिसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। लेकिन वहां पर जब ये कॉन्सर्ट पूरा हुआ, किस कदर गंदगी का अंबार जमा हुआ, कैसे एथलीट्स नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहां तहां पड़ी पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक कैन, रनिंग ट्रैंक पर सड़ा हुआ खाना, बिखरी कुर्सियां, टूटे हुए रनिंग हर्डल्स, तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की है। देश के बड़े खिलाड़ियों और खेल की महान हस्तियों को जन्म देने वाला मैदान इस बार नकारात्मक खबरों के चलते चर्चा में है। दरअसल हाल ही में स्टेडियम में पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कंसर्ट में दिल्ली ही नहीं कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। हालांकि फैंस ने जेलन स्टेडियम में कथित तौर पर जो किया, उसके बाद से इसकी नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे वाक्य को लेकर ट्रैक और फील्ड एथलीट बेअंत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा साझा की। साथ ही कंसर्ट के बाद आयोजन स्थल की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, उससे हर खेल प्रेमी और नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है प्रैक्टिस करने का, हर्डल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। हालांकि एथलीट बेअंत सिंह ने इस घटना के बाद से जो सवाल उठाए हैं वो बेहद संजीदा हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसी व्यवस्था में कैसे मेडल आएंगे। 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और किसी का अगर किस्मत से मेडल आ भी जाता है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके आगे निकल जाता है, फिर उसी को आगे सोशल मीडिया पे उसके साथ फोटो डालना, उसको मिलना और सब फेम उसके नाम पे ले लेते हैं। फिलहाल इस स्टेडियम में कोई भी राज्य, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट या गेम्स नहीं होने हैं। यहाँ आओ और खेल योजना के तहत ही एथलीट आकर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बीते 2 दिन से स्टेडियम इस लायक नहीं था कि वहाँ कोई प्रैक्टिस भी कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि महज मनोरंजन और मस्ती के लिए देश की प्रतिभा के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ कहाँ तक सही है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ी अपने हुनर को तराशते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि देश को ओलंपिक में मेडल दिला सके, वहां ऐसे हालात होंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।